नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार यूट्यूब की गाइडलाइंस क्या होती है, यूट्यूब के क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। जब तक आप उसको नहीं जानते हैं, तब तक आपके साथ समस्या और बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इसी कड़ी में आज मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आप ये गलती कर देते हैं, जो मैं गलती बताऊँगा वो अगर आप कर देते हैं, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वो क्या मिस्टेक है उसकी मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, तो इसलिए हमारे इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा ताकि इस चीज को आप बेहतर तरीके से जान सके। इसके पहले हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मोनेटाइजेशन होता है। उसके लिए आप कड़ी संघर्ष करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और कड़ी मेहनत करते करते आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं। जब 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने चैनल को मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसे कि आपको जानना चाहिए। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे के बावजूद भी आपका चैनल जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको भी जानना जरूरी है, और जो मेन पॉइंट है उसको मैं एंड में आप सभी को बताऊंगा। दरअसल जगह अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरा हो गया है, तो पहले आपको अपने चैनल पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना इंपॉर्टेंट है। उसको ऑन नहीं कर दें तो फिर आपका चैनल का जो प्रोसीड है आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा आपके चैनल पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट टाइम देर इज नो एनी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आना चाहिए, तो ये बखूबी इसको ध्यान रखना है। तो ये चार पॉइंट्स, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, इसके साथ आपका चैनल 2-स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। चलिए, ये तो कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि नया नया चैनल बनाते हैं तो किसी का वीडियो उठाकर डाल देते हैं, किसी अलग चैनल का वीडियो उठाकर डाल देते हैं, किसी और का वीडियो उठाकर डाल देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो यूट्यूब रीयूज्ड कंटेंट मानता है, क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा यूट्यूब पे है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज दैट डेटा, सो दिस इज कॉल्ड रीयूज्ड कंटेंट। तो अब जो है उस समय आपको रीयूज्ड कंटेंट हो जाएगा। तो जब आप काम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, या फिर मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के समय दौरान देखें कि आपका जो वीडियोज है, कोई पॉपुलर वीडियोस है, उसका कहीं रीयूज वीडियो तो आपने नहीं डाला है। अगर आपने डाला है तो फिर वही रीयूज्ड कंटेंट के चलते आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके चैनल पे कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन तो ठीक है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं होना चाहिए। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक है तो फिर आपके साथ समस्या खड़ा हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पब्लिक जो वॉच आवर्स होता है, जो कि आपने गूगल एडवर्ड्स का सहारा ना लेकर अपने आप प्रमोट किया है, अपने आप वो वीडियोस वायरल हुई, तो उस सिचुएशन में बल्ले बल्ले होता है। इसके अलावा जब आप चैनल मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा वीडियोज डाले हैं तो कम से कम जो टॉप पॉपुलर अपलोड्स हैं उसका 10 वीडियो का बेहतर तरीके का थंबनेल बना लें। इसके अलावा जब 10 नए वीडियो डाले हैं उसका बेहतर तरीके का थंबनेल बना लें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसलीडिंग डेटा है, जी हाँ, बात करें तो मिसलीडिंग डेटा क्या होता है कि आपने थंबनेल कोई और बनाया, टाइटल कोई और डाला, और डिस्क्रिप्शन में इतना ज़्यादा हैशटैग डाल दिया कि मतलब कि लगता है कि आपको वीडियोज एकदम वायरल ही हो जाएगी। तो अगर आपने शुरुआत से ही हैशटैग का बखेड़ा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में खड़ा कर दिया है, तो फिर सोचिए कि आपका चैनल हो सकता है कि मोनेटाइज ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिसलीडिंग डेटा को। मिसलीडिंग डेटा मतलब कि लोगों को जो डेटा दे रहे हैं उसमें मिसगाइडिंग कर रहे हैं आप। तो आप बेहतर तरीके का साफ सुथरा काम करें, डिस्क्रिप्शन अच्छा से लिखें, टाइटल अच्छा से लिखें, टैग अच्छा से लिखें, और इसके साथ साथ आप जो है अपने थंबनेल को बेहतर तरीके से रखें। अगर आप इसमें गलतियां कर बैठते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है। अगर आपने शुरू से ऐसा कर भी रखा है तो ध्यान रखें कि जो टॉप 10 वीडियोस हैं पॉपुलर अपलोड्स के, उसका जो हैशटैग आप बहुत सारा लगाए हैं भाई, मतलब फालतू वाला, उसको रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा जो टॉप जो वीडियोज आप अपलोड कर रहे हैं शुरुआत से, जो आपका 10 वीडियो अभी लेटेस्ट है, उसका भी जो ये कीवर्ड्स वगैरह हैं उसको आप बेहतर तरीके से साफ सुथरा रख ले। तो उस सिचुएशन में जब आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, देन आप सक्सेसफुली अपने चैनल को मोनेटाइज कर पाते हैं। तो ये मिस डेटा लोग लगातार व्यूज पाने के लिए कुछ कुछ लगा देते हैं, और जब चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उनके साथ समस्या हो जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और आप
बेहतर तरीके से काम करें। ठीक है, तो ये अपडेट था, मुझे लगा आप सभी को बता देना चाहिए। तो अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िएगा, ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।